तो आपको देख के लग रहा होगा ना बिल्कुल बाजार में मिलने वाली मैंगो शेक है। अब देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। मैंगो शेक की रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने दो आम लिया है जिसका कि वेट लगभग 400 ग्राम के आसपास है। तो हम बिल्कुल पके हुए आम लेंगे। तो आम के हम डंठल को इस प्रकार से काट देंगे और कुछ इस प्रकार से दोनों साइड से इसका इस प्रकार से कट करके निकाल लेंगे और इसके बीच वाले गुठली को हम अलग करके रख लेंगे कट के। तो ये देखिए, तो हम इसी प्रकार से दोनों साइड से इस प्रकार से काट लेंगे और बीच का जो गुठली वाला भाग है उसे हम अलग रखेंगे। हम इस शेक में दोनों साइड वाला गुदे का ही प्रयोग करेंगे, गुठली का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये देखिए, हमने इस प्रकार से आम को कट लगाया है। तो आप भी इस प्रकार से कट लगाएं ताकि आसानी से इसका गुदा बाहर निकल सके। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा कट भी लगा है। अब किसी चम्मच की मदद से इस प्रकार से आप बिल्कुल इजी तरीके से इसे आप निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना आसान है और कितना बढ़िया से निकल रहा है। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से इसका गुदा निकालने का ये तरीका है फ्रेंड्स। कितने बढ़िया तरीके से ये निकल गया है। तो एक काम में चार छिलके वाले भाग को हम इस प्रकार से सारे गुदे को काट के हमने इस प्रकार से निकाल लिया है। तो इसके लिए हमने जो रेसिपी ली है, 4 से 5 हमने बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं, 1 गिलास दूध और ये 50 ग्राम के आसपास चीनी, आधी कटोरी से थोड़ी कम। तो अब हम एक जार लेंगे, तो उसमें हम बर्फ़ के टुकड़े और चीनी, उसके बाद फिर हम ये आम, हमने जो इसका गुदा निकाला था आम का, उसे हमने डाल के और फिर इसमें दूध हम डालेंगे। तो ये देखिए दूध हमने 1 गिलास लिया है, ये वेट में लगभग 200 ग्राम के आसपास होगा। और उसके बाद इन सारे को हम अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये ब्लेंड भी हुआ है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा अच्छे से शेक बन गया है। तो इसे हम, ये देखिए कितना गाढ़ा बना है। आप इसका गाढ़ापन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको ज़्यादा गाढ़ा पीना हो तो थोड़ी सी गाढ़ी रख सकते हैं, थोड़ी सी पतली पीनी हो तो थोड़ी सी पतली आप कर सकते हैं थोड़ी सी दूध डाल के। और तो ये देखिए कितना गाढ़ा है, आप देखने से अंदाज़ा आपको लग गया होगा फ्रेंड्स। देखिए है ना बिल्कुल गाढ़ा। तो आप गाढ़ापन अपने हिसाब से रख सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए कितनी गाढ़ी है। तो दोनों ग्लास में हमने इसे बराबर करके भर लिया है इसमें। तो आप भी इसी तरीके से ग्लास में सर्व के लिए निकालें। उसके बाद हम, ये देखिए बहुत ही आसान है बनाना ये मिल्क शेक की रेसिपी फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी पिस्ता से गार्निश इसे कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आपको आपके पास अवेलेबल हो तो करें, वरना ऐसे ही आप सर्व कर सकते हैं। इसे डालने से थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो झटपट बनाएं, ये 3 से 4 मिनट में ये रेसिपी आसानी तरीके से अपने घरों में बन जाता है, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार से आप बना के बाज़ार वाली फीलिंग आप ले सकते हैं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।